हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक नई वीडियो के साथ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हूँ किसान भाई के पास, और किसान भाई से करेंगे बातें और जानेंगे बकरियों के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार। कहाँ से भैया? पवार से। पवार कहाँ पड़ता है भैया? अजमेर के पास। अजमेर के पास। आपका नाम क्या भैया? महेंद्र। महेंद्र, महेंद्र भाई, अभी क्या पिला रहे हो आप इनको? उसको बंटा। बंटा खल। तो ये बंटा खल आप रोज पिलाते हो? रोज खिलाते हो? रोज डालते हो? तो ये दिन में कितनी बार पिलाते हो बंटा? दिन में शाम सुबह। शाम सुबह। तो इससे क्या फायदा होता है? उससे तो दूध होते है। दूध होता है? खिलाने से दूध होता है। तो आपके पास कितनी बकरियां अवेलेबल? अभी अभी 30 बकरी है। तो 30 बकरियों में कितना दूध दे देते हो आप? दूध दे देते हैं 20 लीटर। 20 लीटर दूध। ये बहुत एग्रेसिव हो रखी है इसको खाने के लिए। तो ये प्रतिदिन का काम रहता है, रोज का काम रहता है इनका, और दूध भी अच्छा होता है इससे। तो ये किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा, यदि कोई नया फार्म, जैसे कोई नया भाई कोई बकरी फार्म करता है, तो ये टेक्निक भाई की अच्छी है कि इससे क्या है कि दूध भी होता है अच्छा, और क्या होता है इससे? दूध होता है। हाँ, दूध होता है, और भी तंदुरुस्ती भी आती है। तैयार होता है। तैयार होता है। तो ये आप इनका जिसे डिवाइडेड कर रखो भाई, आप कितना खिलाते हो इनको? इनकी कोई मात्रा है या फिर आपके हिसाब से डालते हो? अपने हिसाब से 2 किला 3 किला 4 किला 5 किला। तो जो आपने अभी ये पकड़ रखा है, ये इसमें क्या है? इसमें दलिया है। दलिया है। और दलिया के अंदर और कुछ मिलाते हो? नहीं, केवल दलिया डालते हो? खल मिला दी। खल मिला दी पहले से? हाँ। तो भाई ने पहले से खल मिला रखी है, और बड़े चाव से बकरियां इनको खा रही है। और भाई के पास टोटल सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, और सिरोही नस्ल की बकरियों का राज है कि इन पे क्या है कि किसान भाई ध्यान ज़्यादा देता है हर चीज़ में, जैसे इनको खिलाने पिलाने में, जैसे बंटा खिलाते हैं और भी कुछ। जैसे महेंद्र भाई, आप ये जैसे बंटे पे रखते हो या फिर और भी कुछ देते हो जैसे इनको? नहीं, दाल खिलाते हैं। हाँ, वो दाल। तो अभी ये जैसे ये आपने जो खल का बंटा खिलाया, इसके बाद में आप जंगल में लेके जाओगे या फिर यहीं पर रखोगे इनको? नहीं, जंगल में। जंगल में ले जाओगे? हाँ। तो जंगल में क्या है कि जंगल में जाने से क्या फायदा है बकरियों को? वो सरके आती है, तो सरके आती है जंगल से। हाँ। तो जंगल में क्या क्या खिलाते हो आप इनको? उसको खेजड़ी बबूल खिलाते हैं। नहीं, जैसे नहीं, वो बात तो सही है। जैसे काफी लोग क्या है, जैसे बकरियों को जैसे ये जैसे कोई भाई बोलते हैं, जैसे तेल भी देते हैं। हाँ, तेल देते हैं ना। तो तेल का क्या कॉस्टिंग है, कितना तेल देते हो आप एक बकरी को? इसके बकरी को आधा आधा किलो 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 दूध तेल देते हैं। तो ये एक साल में देते हो या महीने वाइज देते हो? 6 महीनों। 6 महीनों एक बार देते हो? एक बार। तो एक बकरी को कितना तेल देते हो? आधा किलो किलो बकरी लग जाए। तो उससे क्या होता है? उससे तैयार होती है, उससे बकरियां तैयार होती है। तो उसमें शाइनिंग भी आती है बकरियों की। और जो ये हमने काफी बार इधर वीडियो बनाई, तो क्या बकरियों जैसे मुंह पे ये मान, ये क्या करते हैं? ये तो शौक से मोरिया। शौक से मोरिया, शौक से बनाते हैं। तो आपके पास अभी टोटल कितनी बकरियां अवेलेबल है? 30 बकरियां। और बच्चे कितने हैं उनपे? बच्चे तो हम तो बेच दिए, और थोड़ा बहुत 60,000 70,000 1 लाख वाला इनको बनाया रेट। तो काम करे।
मलाना भाई मतलब